ये तो रोटी बन गई होगी, अब तो रोटी दे दो। हेलो गाइज, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो मेरे ब्लॉग्स। सो गाइज, आज हम खेलने वाले हाइड एंड सीक, क्योंकि भाई शाम भी होने वाले और भाई आज हम पूरी की पूरी सोसाइटी का यूज करेंगे। yeah! और भाई आज हमारे साथ होंगे पूजा, नंदनी, कपीश। डाइंग किसकी है, खेल तो रहे हैं हम लोग। तुम लोग झूलना पहले बंद तो करो, तभी तो खेलेंगे भाई। तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई हो तो भाई मैं रूल्स वगैरह बता दूं तुम्हें। नहीं रहन दूं, ठीक है चलो आओ। सुन, मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ ना कुछ चैलेंज भी तो रख लेते कि अगर जिस बंदे को हम पकड़े सबको खाना खाना वो सबकी मूवी की टिकट देगा। अरे शैतान मूवी लगी है, अरे अजय देवगन की, जैसे जादू टोना होता है भूत प्रेत वाली। हॉन्टेड है भाई। ओ भाई साहब मजा आएगा भाई। हमारे पीछे तो भूत प्रेत बहुत लग रहे हैं। बात तो सही है। इस गेम के ना रूल थोड़े से अलग है, जैसे कि होता है ना कि भाई एक बंदा डाइन देता है और भाई सबके सब छुपते हैं, भाई हमारे में क्या होगा कि भाई हम सब डाइन देंगे और सिर्फ एक बंदा छुपेगा और वो जहाँ पर भी छुपेगा ना वहाँ पे जाके उसको एक फोटो का क्लू भेजना पड़ेगा। ये मैंने किसी ब्लॉग के अंदर देखा था भाई, एक नंबर भाई, इतना मजा आता भाई इसके अंदर। तो गाइस अभी भाई हम देख रहे, चल चल कपीश तू घूम जा। तो गाइस अभी हम इससे पूछेंगे कि भाई किसकी डाइन होगी फर्स्ट। क्या इसकी डाइन है? आया ना, नहीं है बट ओके डन। क्या इसकी डाइन है? तो गाइस इसकी बारी है, ठीक है ना। तो भाई ये छिपेगा, भाई तू छुपेगा अकेला और भाई हम लोग तेरे को ढूंढेंगे। अरे मैं तेरे को मैं दिखाता हूँ क्लिप भाई, सच में अकेला छुपूंगा। हाँ भाई हाँ, तू छुपेगा अकेला। सो गाइस अभी भाई कपीश की डाइन आ गई और कपीश अकेला छुपेगा और मैं, पूजा और क्या कहते हैं नंदनी, हम लोग इसको ढूंढेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई, तेरे पास सोसाइटी, तू इस सोसाइटी में कहीं पे भी छुप सकता है, ठीक है ना। अब तेरे को सिर्फ एक चीज करनी है, अपने फोन से तेरे को हमारे पास एक फोटो सेंड करनी है जिसको हम देख करके तेरे को ढूंढ। और भी हमारे पास सिर्फ 10 मिनट होंगे इसको ढूंढने के लिए। अगर हमने उस 10 मिनट में इसको ढूंढ लिया तो भाई ये टिकट बुक करेगा हमारी। जाओ जाओ, ये ले ये ले। ओए सुन ओ पागल, बाइक तो ले जा। तो भाई इसको समझ नहीं आ रहा कहां जाऊं भाई। एक काम करता हूं, गाड़ी के पीछे छुप जा। कुछ भी भाई, गाड़ी के पीछे शायद वो ढूंढ लेंगे, क्योंकि गाड़ी के पीछे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो कुछ यूनिक करना पड़ेगा जिससे वो ढूंढ भी ना पाए और मूवी टिकट के पैसे मुझे ना देने पड़े। सो गाइस साइड में मुझे बेसमेंट दिख रहा है, थोड़ा हॉरर तो है भाई। कैमरामैन तो साथ रही हो यार, बिल्कुल ही साथ रही हो, चिपक के भाई। वो लोग मुझे लगता नहीं कि उनके अंदर इतना दिमाग है कि मुझे ढूंढ लेंगे भाई जाना सही रहेगा क्या? तो गाइस डर तो बहुत लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि उनके तीनों टिकट के पैसे मैं ही दे दूँ ऑलरेडी सारे, लेकिन क्या करूँ, जाना ही पड़ेगा भाई। देखो कैसे पानी की आवाज़ आ रही है भाई, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, सिर्फ इसकी आवाज़ आ रही है मुझे भाई। जाने का मन तो नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ऐसा मन कर रहा है कि उनके टिकट के सारे पैसे मैं ही दे दूँ, लेकिन अभी तो चलना पड़ेगा। इसी बात पे सब्सक्राइब करो दोस्तों भाई, यहाँ पे 10 मिनट रुकना भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हुई है ना उसके बाद तो मुझे लगता नहीं मैं 10 मिनट भी रुक पाऊँगा, और वैसे भी 10 मिनट से ज़्यादा मैं रुकने भी नहीं वाला हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी। जल्दी से फोटो क्लिक कर लेता हूँ, उनको भेज देता हूँ मैं, ये सही रहेगा। हाँ आया तो, दिखाइयो दिखाइयो क्या है मेरा। अबे ये क्या भेज दिया भाई इसने, ये कहाँ की जगह है यार? ये सोसाइटी के बाहर वार तो नहीं है? नहीं यार, सोसाइटी के बाहर का तो भाई रूल ही नहीं है ना यार। कैसा ये यार, ये कहाँ है यार ये? अब एक चीज करते हैं, मेरे को लगता है कि या तो ये कहीं पे कोई ये जाली वाली ये पड़ी होगी, या फिर ये किसी एक सेकंड दोबारा दिखा भाई, ये तो छत का है यार। भाई मुझे क्या लग रहा है, छत का है ये? छत का है भाई, छत का है ये। चलो छत पे चल के देखते हैं फिर जल्दी। अबे वो वाली छत का नहीं, यानी कि ये किसी सीलिंग का है यार। कुछ भी कर रहा है जल्दी ढूंढ लो। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सीढ़ियां है ना हमारी, ये लोहे वाली? हाँ लोहे वाली, वही का तो नहीं है शायद। चलो फिर चलो चल के देखें। यार यहाँ पे तो वही पे भी कोई सीलिंग दिख नहीं रही है, ये कहाँ जाएंगे भाई? लाइट तो यार पता नहीं भाई ये कैसी हो रखी है यार, इसमें बहुत डर लग रहा है पता है 3-4 दिन से। अबे तुम लोग चैलेंज हार जाओगे, तुम ये डर वर छोड़ो यार, उसको ढूंढो भाई। गाइस मैं बता नहीं सकता मुझे कितना डर लग रहा है, 4-5 मिनट हो चुके हैं उनको ऑलरेडी, 5 मिनट और रुकूंगा भाई, उसके बाद मेरे बस की नहीं है यहाँ पे रुकना, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे भाई से भी, और वैसे भी मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम देख सकते हो दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ ये कैमरा वाला भाई और मैं भाई। जैसा कपीश ने फोटो भेजा ना भाई वैसा तो कुछ भी नहीं। अबे यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार ऐसा भाई, इसे कहाँ पे ढूंढेंगे हम? हद हो गया, बहुत टाइम हो गया उसको तो यार, कम से कम भाई 6 मिनट हो चुके भाई, सिर्फ 4 मिनट और बाकी, 1 मिनट। ओए अरे नहीं ये वाली जा रही है नहीं भाई, वो तो प्रॉपर बिल्कुल छत पे लगी है, और सुनो मेरे को लगता है कि भाई वो ना पक्का बेसमेंट में चला गया। नहीं यार बेसमेंट में क्यों जाएगा अकेले, मेरे को भाई मैंने शायद ना बेसमेंट में ऐसी जाली देखी है भाई, वो छत पे आ जाओ। बेसमेंट में जा सकता है? अबे यार चलो ना, मेरे को पक्का पता भाई वो बेसमेंट में ही है भाई। यार पूजा मैं सही बता रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी यार बेसमेंट में, हम नहीं जा रहे बेसमेंट में, तुझे जाना है तो तुम चले जाओ भाई, मैं भी नहीं जा रहा बेसमेंट में। तो बस हवा निकल गई।
सो गाइस पूजा और नंदिनी ने तो भाई मना कर दिया भाई, वो तो इतने ज्यादा डर गए। पर भाई मेरे को पक्का पता है जो कपीश ने हमें फोटो भेजा ना भाई, वो बेसमेंट में भी देखा एक दो बार, तो भी अभी बेसमेंट की तरफ भाई मैं जाता रहा हूं। पर मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है अगर वो वहां पे ना हुआ और भाई मैं अकेला अगर बेसमेंट में कोई दिक्कत होगी तो। पर लेकिन भाई चैलेंज आता भाई, चैलेंज तो पूरा करना पड़ेगा। तो भाई एक एंट्री ये भी है भाई ये बेसमेंट में जाने की, पर लेकिन भाई बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई, बस किसी को दिखना चाहिए यार, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स ने अगर देख लिया तो वो बहुत ज्यादा डांट देंगे। भाई मैं बेसमेंट में तो आ गया यार, कहाँ मिल सकता है भाई वो। ओ भाई मेरा बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। सो गाइस मैं बेसमेंट में तो आ गया, लेकिन भाई मेरे को कपीश तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा यार। ओ भाई तेरी भाई कैसी जगह यार ये। भाई मैं बहुत दिन बाद भाई बेसमेंट में आया हूँ यार, और भाई आज तो मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ यार। भाई कहाँ गया भाई कपीश यार। भाई इस वाले एरिया में तो थोड़ी सी सी रोशनी भी है, लेकिन भाई वो कहीं पे भी नहीं दिख रहा यार। वो तो यार कहीं पे भी दिख नहीं रहा यार, कहाँ पे छुपा हुआ भाई वो। ओ भाई अबे ये तो रहा, अबे ओ पागल ओए। ओ ये किस चीज की आवाज थी, किस चीज की आवाज आई भाई, कौन है यहाँ पे, अबे कौन, ये बोतल की आवाज आई, अबे दिख तो गया। ओ तू यहाँ पे छुपा हुआ है पागल, और क्या पे? अबे वहाँ पे मैंने किसी को देखा यार वहाँ पे। पागल है क्या, यही से है भाई। अबे यार तो पागल है क्या, तेरे को किसने बोला है यहाँ पे बेसमेंट में ये छुपने के लिए। भाई चले जितने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बेसमेंट रूल में था ही नहीं यार, तू पे काम खामे घुसा यहाँ पे, चल यहाँ से बाहर। अब तेरे को पता नहीं है यहाँ पे क्या दिक्कत है, और तू भी इसके साथ साथ हो रहा है यार। अरे वहाँ पे कोई खड़ा था यार, मैंने प्रॉपर देखा भाई, पता नहीं कहाँ चला गया यार, मैंने वहाँ पे देखा यार प्रॉपर किसी को ना। अबे तू चल बाहर। तो गाइस ये देखो भाई, इसको तो पानी में, अबे भाई ये बेसमेंट में बिल्कुल भाई करो, सिर्फ 50 सेकंड से बचा भाई, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता ना तो भाई मार देते, पकड़ लिया ना भाई ये बेसमेंट में ही भाई, दस मिनट से पहले पहले भाई इसको पकड़। भाई नेक्स्ट टाइम हम देखते कि भाई किसके चल चल घूम जा, इसकी ना, इसकी ना, नहीं डन जी। तो दोस्तों मेरी डाइन आ चुकी है और मेरे को थोड़ा डर तो लग रहा है यार, लेकिन कोई बात नहीं, लोग बेवकूफ़ हैं, इनको क्या पता मैं कहाँ छुपने वाली हूँ। मैं ऐसी जगह छुपूंगी ना, लोग मेरे को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। मेरे को तो पहले बहुत भूख लग रही है, पहले अपना चिप्स वगैरह, उसके बाद मैं आराम से बैठ के छुप के खाऊंगी। चलो जल्दी दुकान में मिलती हूँ। तो दोस्तों मैंने चिप्स ले लिया है और मेरा फेवरेट शेक ले लिया है। तो गाइस चलो छुपते जल्दी जल्दी। सोचा था बहुत इजी होगा खाते पीते आना, लेकिन बिल्कुल भी इजी नहीं था गाइस। पूरे 13 फ्लोर है इसमें। तो गाइस मैं छत में छुपने जा रही हूँ, वहाँ पे लोग मुझे ढूंढ भी नहीं पाएंगे और इनके वहाँ तक सोच भी नहीं पहुँच पाएंगे मैं कहाँ पे। मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया यार। चलो कोई नहीं, यहाँ तो मुझे एक बंदा भी नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ गाइस फोटो भी तो भेजा ना, मैं किसी की फोटो खींच के भेज देती हूँ, और उनको कैसे समझ आएगा जब मेरे को ही समझ नहीं आ रहा मैं लोकेशन में खड़ी हूँ। तो फोटो तो भेज दी अंदर की, अब मैं मस्त आसमान में आ गई हूँ और मैं यहाँ बैठ के खाऊंगी जल्दी। आ जाओ, गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार गाइस। इतना मस्त व्यू है ना, इतना मस्त मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, पूरा का पूरा ना पूरा बहादुरगढ़ दिख रहा है यहाँ से। तो गाइस पूजा गई है छुपने के लिए, और भाई हमें इतनी ज्यादा देर हो गया भाई, कम से कम 15 मिनट हो गया भाई उसका वेट करते। कोई फोटो आया है क्या यार? ये आया देखो भाई, कभी कौन सी जगह है यार, ये तेज बन रही है भाई, किस चीज का फोटो है, जूम कर जूम कर, बन रही है, क्या कर रहा है इसने, ये सबसे ऊपर क्या छत पे गई है, ये छत पे गई है, लेकिन ये नहीं पता अब कौन सी छत पे है। हाँ। अबे यार यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 8 बिल्डिंग ओपन कौन सी है, ओपन ओपन छत अपने वाली रहती है। तो एक चीज करते हैं अपने वाली पे ही चलते, क्योंकि आगे वाली पे जाने का रिस्क वो लेगी नहीं। और भाई वो इतने डम है कि उसने सीधा ऊपर चलेगा सीधा ऊपर, इसको पकड़े। तो गाइस पूजा का नाम हमने पूजा डम रख दिया, क्योंकि उसने जो फोटो भेजा वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ऊपर का। पागल भाई पूजा पागल मैचिंग है। अब सुन ओए कपीश, ये लाइटें कैसे होती रहती है यार, डर गई। तुझे क्या लगा था कि हम तेरे को ढूंढ ही नहीं पाएंगे भाई? तो अरे यार तुमने तो इतनी जल्दी ढूंढ लिया मेरे को। अब क्या देख रहे हो भाई, अब क्या देख रहे हो, इस एक छोटी सी गाड़ी में ये 7 लोग कैसे जाएंगे भाई? गाइस फाइनली भाई छोटी सी गाड़ी में भाई 7 लोग भर के भाई, ये देखो भाई कैसे भाई तूड़े की तरह, क्या देख रहा भाई, मैं प्रोफेशनल मार्ग पे बैठा हूं भाई। हां तो सो गाइस अभी शो स्टार्ट हो गया हमारा, भाई पहले लेट जल्दी आ जाओ भाई, अभी शो देख करके फिर बात करते हैं, नहीं करते। सो गाइस मूवी देख के तो वापस आ गए, पर लेकिन भाई रिव्यू थोड़ा सा मेरे को खराब ही लग रहा है। अच्छा था जो हमारे डेली लाइफ में हो रहा है उसी की कहानी दिखा देते।
सो गाइज मैंने कपड़े वपड़े चेंज करे थे और भाई बस हम सो ही रहे थे और भाई ये देखो भाई हमारी लाइट ही भागी यार, ये देखो, और देखो बाहर सब की लाइट है, ये देखो बाहर सब की लाइट है और सिर्फ ये देखो भाई सारे की सारी ऑन है, वैसे हमारी ही लाइट नहीं है भाई, पता नहीं क्या बकवास हो रही है। भाई कौन है पूजा, कौन था? कोई औरत फिर से आई है, वो कोई होली रोटी बन गई होगी, अब तो रोटी दे दो। अच्छा अबे यार कौन है, कौन है भाई, कौन था भाई ये? अबे अबे नीचे चली गई यार, ये तो कहाँ जा रही है भाई, ये लिफ्ट बेसमेंट में कैसे चली गई यार? ओ भाई बेसमेंट, ये बेस कौन था भाई जो ये बेसमेंट में गया है? अब चली गई अबे यार कपीश भाई, तेरे को पता भाई वो लिफ्ट बेसमेंट में गया भाई, पता नहीं कौन था, बिल्कुल ऐसे बाल बाल बिखरे हुए थे और यार लिफ्ट बेसमेंट में है यार, बेसमेंट में चले भाई, चलना पड़ेगा और क्या करें। अच्छा चल दिया तो फिर। सो भाई ये देखो भाई ऐसे नीचे आ गई भाई, बस अब बेसमेंट आने वाला है यार। तुझे क्या लगता है कि कौन होगा यार, यार कोई चोर वोर था क्या? पता नहीं हो सकता भाई, उस लास्ट रूम में यार लगता कोई लड़का सा ही रहा था यार। चलियो बेसमेंट तो आ गया गाइस, भाई इस तरफ से आ जाओ, इस तरफ से यहाँ से आ जाओ, जल्दी आके चल यार। गाइस हमारे पास बैटरी भी नहीं है यार, क्या अरे कहीं तो गया होगा यार, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कोई इंसान था तो भाई यहीं पर ही मिल जाएगा, तो कोई टेप वेप लगी हो यार। चलो चल जल्दी चलती जल्दी चल। सो गाइस यहाँ पे बेसमेंट में तो आ गया, पर लेकिन कहाँ ढूंढेंगे यार उसको। अबे यार अब कोई कपिश कोई था यार इसके पीछे यार, जल्दी चल। अभी देखियो दर्द, ओ भाई कोई था भाई इसके पीछे यार, पिलर के पीछे, जस्ट अभी देखा यार मैंने। मैंने प्रॉपर देखा यार, तूने भी? मैंने भी देखा था भाई। देखा तूने भी? हाँ। उतरेगी कौन था यार? ओए उतरेगी, ओए ओ भाई फिर से दिखा भाई, फिर से दिखा, फिर से दिखा, कहाँ गया, कहाँ गया तो कोई भाई, तो यार अभी दिखा भाई मेरे को प्रॉपर यार, बिल्कुल ये पिलर के पीछे ही था यार प्रॉपर, कोई बंदा था भाई यार। ओए उत्तर की, ओए क्या चीज है भाई, भाग उत्तर की, ओए भाग उत्तर की, क्या है भाई भाई भाई, ये तो पीछे ही आ गया कपीश, भाग भाग भाई, भाग भाग भाई जल्दी, भाग भाई जल्दी उत्तर की, ओ भाई कौन था भाई ये भाई, क्या था ये?